हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे काली गाजर की कांजी, बहुत ही आसान और सिंपल और बढ़िया तरीके से, जो कि आपकी गर्मियों के लिए बहुत से हेल्दी ड्रिंक है। ये डाइजेशन इसके ठीक हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर आपने चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 4 से 5 मसाले चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें हींग। हींग गर्मियों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें डाइजेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप कोई भी मसाला बनाते हैं, चाहे लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो हींग का आप डाल सकते हैं जीरा के साथ, तो फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमने हींग को अच्छे से पीस लेना है, उसके मोटे मोटे टुकड़े या फिर उसके जो पीसेस होते हैं उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम ले लेंगे राई 1 से 2 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार राई ले सकते हैं। मैंने लिया है 1/2 किलो गाजर, उसमें जाएगी सिर्फ 2 चम्मच। उसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। पूरी हम सीड्स को नहीं डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्सी में मैश करके थोड़ा सा बारीक करा हुआ हम लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, अब हमारी परफेक्टली हो गई है। राई भी पीस चुकी है और हींग भी मिक्स ऑलरेडी हमने डाल दिया था। तो पहले ये राई रेड कलर की थी, बट अब ये पीसने के बाद थोड़ा सा इसका लाइट कलर होना शुरू हो गया है। तो ये हमें परफेक्ट है, हमें इसी क्वान्टिटी में चाहिए, इसी थिकनेस में चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कांजी बनाना। तो उसके लिए आप अच्छे से गाजर को धो लीजिए, उसके छिलके को उतार लीजिए और उसके बाद उसको छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में काटना शुरू कीजिए। आप चाहे तो लंबी गाजर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो उसका चौथा हिस्सा भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको कैसी गाजर चाहिए। इस गाजर पे रंग काफ़ी छूटता है, तो आप अपनी उस केयर से करिए, आपके हैंड में या फिर वाइट चीज़ में या फिर किसी कपड़े में आपका दाग ना चला जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कलर छोड़ रही हैं धोने वक्त भी और काटने वक्त भी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से पतली पतली गाजर हमारी काट ली है और ये 1/2 किलो गाजर है। आप चाहे तो क्वांटिटी अगर आपने बढ़ानी है तो मसाले की क्वांटिटी भी आप डबल कर लीजिए। उसके बाद हम लेंगे एक जार, इसको आप कांच के जार में डालेंगे या मटके में डालेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये आपकी चल जाएगी, नहीं तो आप नॉर्मल प्लास्टिक के उसमें मर्तबान में या फिर प्लास्टिक बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारी गाजर इसमें डाल दी है। अब हम ऐड ऑन करेंगे हमारे मसाला। तो सबसे पहले जाएगा हमारा नमक, नमक जाएगा 1 चम्मच और काला नमक जाएगा 1 से 1.5 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काला नमक, नमक, उसके बाद जाएगी हमारी लाल मिर्च। थोड़ा सा उसको टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मिर्च जैसा फ्लेवर लाने के लिए, करारापन लाने के लिए हमें लाल मिर्च चाहिए। उसके बाद हमने 2 चम्मच हमारी ड्राई डाल देनी है। ड्राई डालने के बाद इसमें हम चुटकी अनुसार डाल देंगे हमारी काली मिर्च। काली मिर्च से भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद जब ये कांजी तैयार होगी तो इसमें सारे मसाले बहुत अच्छे फ्लेवर देंगे। हर एक मसाले का आपको अलग से टेस्ट आएगा, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी होता है और सही भी होता है गर्मियों के लिए। तो अब हम सारे मसाले इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। उसके ऊपर डाल देंगे हम पानी, नॉर्मल पानी डाला है मैंने 1 बॉटल। उसके ऊपर मैं डाल दूँगी गर्म पानी, उबला हुआ, एक बॉयल आ चुका है पानी में, उसके हम ऊपर गर्म पानी डाल देंगे। फिर हम ठंडा पानी डाल देंगे। सारा ठंडा पानी हम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट उसमें मसाले को पकने में टाइम लगता है। अगर आप गर्म पानी डाल देंगे तो मसाले पकने में बहुत आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी गर्म छूटना शुरू हो चुका है। अब कांजी है जो काली रंग की है, बट जैसे जैसे ये पकेगी ये थोड़ी थिक होती जाएगी, ये रेडिश कलर में आ जाएगी। और अब हम इस जार को पूरा भर देंगे और उसके ऊपर हम कॉटन के कपड़े से या फिर कपड़े मलमल के कपड़े से इसको आप अच्छे से बांध लीजिए। 3 से 4 दिन तक इसको आप धूप में छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिए और हिलाने के बाद आप फिर वैसे ही ढक्कन बंद कर दीजिए या फिर कपड़ा दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 3 से 4 दिन लगते हैं हमारी कांजी तैयार होने में और जो उसका टेस्ट आता है वो डे बाय डे और बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको कपड़ा बांध दिया है। अब मैं इसको धूप में छोड़ दूँगी 2 से 3 दिन के लिए। तो 3 से 4 दिन के बाद अब जब हमारी कांजी तैयार हो जाएगी, उसका आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। राई खट्टापन दे देती है। आप चाहें तो चुकंदर की गाजर, काली गाजर नहीं मिलती है तो चुकंदर की कांजी भी डाल सकते हैं समर्स में। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। अभी आप देख सकते हैं जो ये काले रंग का था कलर पानी,
इसका ये रेड कलर का हो चुका है, रेडिश हो चुका है, और कितनी थिक का इसके आपको कांजी लग रही है। तो आप इस कांजी को फ्रिज में रखिए, इसको आराम से आप चला सकते हैं हफ्ता 15 दिन, आराम से चलेगी। डे बाय डे इसका टेस्ट और फ्लेवर और कलर और इंक्रीज होगा। तो आप ऐसे ही सिंपल वे से घर में ही कांजी तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।